नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 2 की शिक्षक डायरी। ये निर्भर भारत मिशन के अनुसार देखें तो सप्ताह आपका रहेगा 13, और इस सप्ताह में अवकाश भी हैं, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। तो इसके बाद जो शेष दिन विद्यालय खुलेगा उन्हीं में हम इस सप्ताह का कार्यक्रम करा सकते हैं पूरा, या फिर आप अपने अनुसार दिनों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो करते हैं प्रारंभ। सर्वप्रथम हम देखेंगे 24/10/2022 में हमें क्या रहेगा, हमारा अवकाश रहेगा शुभ दीपावली का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एक अच्छा चित्र बना देने हैं और शुभ दीपावली अवकाश लिख देने हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करना और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना। इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ 24/10/2022 में तो रहेगा हमारा अवकाश। इसके बाद हम देखेंगे 25/10/2022 में कुछ जनपदों में आज शिक्षण कार्य रहेगा और कुछ जनपद में विद्यालय बंद रहेंगे। तो जहाँ विद्यालय खुल रहे हैं वहाँ ये शिक्षण कार्य लिख सकते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे मौखिक भाषा में हमें क्या अंकित करना है। यह देखेंगे सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव हेतु गतिविधि कराना रहेगा। और इसके बाद डिकोडिंग में हम देखेंगे तो हमारा जो पहला दिन और दूसरा दिन है तो यहाँ ओ की मात्रा की पहचान सिखाना रहेगा और शब्द प्रथम कार्य कराना रहेगा, ठीक है। ओ की मात्रा ही सिखानी है दोनों दिन। लेखन में हम देख लेंगे किसलिए हिंदी कार्य पुस्तिका से पाठ 73 और 74 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। और सहज से पठन देखेंगे तो सहज टू से पाठ 7 चीकू और मीकू का पाठ का आदर्श पठन कार्य करेंगे। अब आएगा हमारा मध्यान्ह भोजन। उसके बाद गणित में देखेंगे इस सप्ताह की जो शिक्षण योजना दी गई है 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 को हम सबमिट करते हुए हमें सिखाना क्या है कि एक अंक की संख्याओं को लंबवत रूप में जोड़ सकें, ये हमें सिखाना है इस आज। इसके बाद गणित कार्य पुस्तिका से अभ्यास कार्य पत्र जो 1 व 2 दिए गए हैं उन पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। इंग्लिश में यहाँ पर बंट से लेकर 10 तक हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और पाठ्यक्रम में देखेंगे सह पाठ्यक्रम में यहाँ छात्रों से गीत कहानी कविता सुनेंगे। अब हमारा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम देखते हैं 26/10/2022 में हमारा जो है रहेगा अवकाश गोवर्धन पूजा का, ठीक है। तो इस दिन गोवर्धन पूजा का अवकाश लिखेंगे, चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 27/10/2022 में देखेंगे तो आज अवकाश रहेगा भाई दूज का, तो यहाँ एक चित्र बनाएंगे अच्छा सा और उस पर भाई दूज अवकाश लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे 28/10/2022 में क्या पढ़ाना है। सर्वप्रथम हम देखेंगे मौखिक भाषा में तो आधारशिला से कहानी अनोखी दोस्ती। ये कहानी हम मौखिक रूप से बच्चों को सुनाएंगे, पहले कहानी पढ़ लेंगे, उसको देख लेंगे क्या कहानी है और क्या सुनाना है। डिकोडिंग में हम देखेंगे इस सप्ताह जो हमने ओ की मात्रा है और छा और था वर्ण अक्षर मात्रा की पुनरावृत्ति कार्य आज करा देंगे। जो भी इस सप्ताह के अक्षर या शब्द दिए गए हैं उनको पूरा कराना है। लेखन में हम देखेंगे किसलिए हिंदी कार्य पुस्तिका से पाठ 75, 76 और 77 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। और आज रहेगा स्वतंत्र पठन कार्य, तो यहाँ पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर से चित्रात्मक कहानी वाली पुस्तकों का चयन करेंगे बच्चे और उनको देखेंगे। मध्यान्ह भोजन, उसके बाद हम देखेंगे गणित में शिक्षण योजना। यहाँ आज हमें क्या कराना है, जो हमारी तीसरी शिक्षण योजना होती है तीसरे दिन की, एक अंक की संख्याओं प्रतीकों को घटा सकें, ठीक है, घटा सकें जो संख्याएं या टीलम ले सकते हैं यहाँ पर बच्चों को घटाना सिखा सकते हैं, ये कार्य कराएंगे। प्लस गणित कार्य पुस्तिका से अभ्यास 3 पर अभ्यास कार्य कराना और समेकन गतिविधि जो दी गई है इस सप्ताह की वो हम कराएंगे। इंग्लिश में हमारा 1 to 10 स्पेलिंग कंटेस्ट कराना रहेगा। और सह पाठ्यक्रम में आज छात्रों से गीत कहानी कविता सुन सकते हैं। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वागत हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं सप्ताह के लास्ट दिन रहेगा 29/10/2022 में, ये अक्टूबर माह का भी लास्ट दिन है। अब नेक्स्ट सप्ताह से हम क्या लिखेंगे वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ देखेंगे मौखिक भाषा में स्थानीय कहानी मौखिक रूप से सुनाना रहेगा, कोई भी यहाँ कहानी ले सकते हैं। डिकोडिंग हम आकलन और रेमेडियल कार्य कराना रहेगा। लेखन हम देखेंगे तो किसलिए हिंदी कार्य पुस्तिका से पाठ 75, 76, 77 तक पढ़ने को कहेंगे छात्रों से। इसके बाद स्वतंत्र पठन कार्य में पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर से चित्रात्मक कहानी वाली पुस्तकों का चयन करेंगे, छात्र पढ़ेंगे उनको, देखेंगे। मध्यान्ह भोजन, उसके बाद गणित में देखेंगे तो आज आकलन कराना और रेमेडियल पर भी कार्य कराएंगे, या फिर आप जो अन्य जो आपके शिक्षण योजनाएं छूट गई हैं उस पर कार्य करा सकते हैं। इसके बाद होमवर्क भी देंगे जिसमें घटाव के सवाल बच्चों को देना रहेगा। इसके बाद आता है इंग्लिश, इंग्लिश में हमें क्या करना है, यहाँ 1 से लेकर 10 स्पेलिंग लिखने का अभ्यास कराना रहेगा।
और सह पाठ्यक्रम में यहाँ हम चित्रकला आम का चित्र बनवाना रहेगा। अब आता है हमारा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। तो ये थी कक्षा 2 की शिक्षक डायरी इस सप्ताह की। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।